नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है सुशांत मामले में राज और गहराता जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और इसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं यह सबको पता है, लेकिन आज तक जांच एजेंसियों को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या था। और लगभग 2 साल से ऊपर बीत चुके हैं, बड़ी साजिश की बू आ रही है। और जो बड़ी साजिश है वो हम कह सकते हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है, चाहे जांच एजेंसी हो चाहे कोई पॉलिटिशियन। और जांच एजेंसियों 2 साल में इनके हाथ में आज तक कुछ नहीं, इसे ये पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ तो बड़ा राज है। हाल ही में जब महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नारायण राणे ने खुलासा किया था और उसके बाद फिर वो भी चुप हो गए, उनका एक खुलासा आया था और उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं किया बल्कि उसकी मौत हुई है, और उसके पहले दिशा शालियान का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार थे, दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो सभी फैंस के दिलों में राज करते थे और आज भी राज करते हैं, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं, और ये मौत की गुत्थी कहाँ तक जाएगी और जाँच एजेंसियाँ इसमें क्या करेंगे ये पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस मामले को ड्रग्स की तरफ बिल्कुल मोड़ दिया गया और पिछले लगभग 1 साल से जो भी हो रहा है वो ड्रग्स एंगल की तरफ हो रहा है और मौत एक राज बन करके रह गई है। बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकार ड्रग्स केस में सामने आए थे, लेकिन समय के साथ सारा मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा शालियान का पहले रेप किया गया फिर हत्या कर दिया। दिशा पार्टी में जाने से मना कर रही थी लेकिन उन्हें जबरदस्ती पार्टी में बुलाया गया और फिर रेप के बाद उनकी हत्या की। और जिस बिल्डिंग में दिशा की हत्या की गई थी वहाँ 13 जून को सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया गया। साथ ही साथ बिल्डिंग में आने जाने वाले के लिए जो रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें एंट्री होती है, आप भी किसी सोसाइटी फ्लैट या किसी जगह जाते हैं तो एंट्री रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के पन्ने 8 जून के बाद के फटे हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सुशांत की मौत का प्लान पहले से कर दिया गया था और ये बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। सुशांत ये जान चुके थे कि उनके पूर्व मैनेजर दिशा शालियान की हत्या हो चुकी है और इससे बहुत बड़े राज उनके पास था जिसका वो खुलासा करने वाले थे, और इसीलिए सुशांत की हत्या कर दी। सुशांत के घर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई थी और यह एक मंत्री की गाड़ी थी, उस गाड़ी से 4 लोग निकले और सुशांत को पकड़ करके मारा। ये बातें कहा था नारायण राणे ने। नारायण राणे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये लाइन उन्होंने जोड़ा था कि एक लाल बत्ती की गाड़ी आई, 4 लोग उसमें से निकले और सुशांत की उन्होंने हत्या कर दी। अब आप खुद सोचिए, जब सुशांत की हत्या का पता चला तब किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही क्यों बुलाया गया। नारायण राणे ने बड़ा खुलासा किया था लेकिन उसके बावजूद भी वो भी चुप हो गए, कभी कभी वो बीच में आके बोल लेते हैं। और ये हत्या का जो मामला है ये राज का राज ही बना हुआ है। सुशांत के फैंस लगातार प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी ऐसा बात निकल करके सामने आई जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ। जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है, मैं कहूँ कि दिशा शालियान की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन पता है कि जो डॉक्टर है उसे सब जानते हैं, उसे सब चीज़ों की जानकारी है। सुशांत के घर पे एक सावन नाम का शख्स रहता था, सावन का नाम आया था, ये बातें भी कही थी नारायण राणे ने। और अचानक वो गायब हो गया, उसका दोस्त रॉय
वो भी नहीं मिल रहा है। दिशा सालियान के जो बिल्डिंग है उसका जो वॉचमैन है वो भी गायब है। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इसे ये पता चलता है कि बड़ी साजिश रची गई थी, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक छोटे शहर का लड़का इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है और इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपना नाम कैसे बना सकता है। और ये बातें कहीं ना कहीं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को सता रहा था डर इसका कि सुशांत सिंह राजपूत एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पे राज करेगा। और अपने फैंस के दिलों में तो वो राज करने चालू ही कर चुके थे, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत पहले दिशा सालियान को जबरदस्ती उस पार्टी में बुलाया गया और दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, पार्टी में बुलाने के बाद उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर। और इन सारे सबूतों को मिटाने के लिए सोसाइटी के गेट का जो रजिस्टर एंट्री रजिस्टर होता है उसके पन्ने को गायब कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया। हर चीज को खत्म करने के बाद मुंबई पुलिस ने भी एक बार ये कहा कि दिशा सालियान से संबंधित सारे जो डाटा थे वो उनके कंप्यूटर से डिलीट हो चुके। यानी कि एक बड़ी साजिश रची गई थी और इस साजिश में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, अगर कोई भी फाइल डिलीट होता है तो उसको रिकवर करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन यहाँ पुलिस ने साफ कहा कि दिशा सालियान से संबंधित सारे फाइल्स हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो चुके हैं। हालांकि सुशांत की मौत के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी है और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। सुशांत के फैंस सुशांत की मौत से काफ़ी दुखी आज तक है और जब तक ये बॉलीवुड रहेगा तब तक सुशांत की याद उनके फैंस को आती रहेगी, क्योंकि सुशांत एक बेहतरीन कलाकार थे, एक टैलेंटेड कलाकार थे और अपने फैंस के दिलों पर राज करते थे। हालांकि काफ़ी हंगामा होने के बाद इसमें 3 जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया, ईडी, एनसीबी, सीबीआई। एनसीबी ड्रग्स एंगल पे मामले को देख रही है, सीबीआई इसमें बहुत सारे एंगल्स देख रही है, लेकिन किस एंगल पे उनका काम चल रहा है ये आज तक पता नहीं चला, क्योंकि सीबीआई को बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल किए लेकिन उनके तरफ से सिर्फ एक जवाब आया था, आपको याद होगा, और वो जवाब उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी को सीबीआई के तरफ से जो लिखित जवाब आया था उसमें ये कहा गया था, और ये जवाब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया तब जवाब आया था, और ये कहा गया था कि हम सभी एंगल पे जांच कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं और इस मामले के जो भी दोषी होंगे उन पे हम कार्रवाई करेंगे। ये जांच जांच ही बन के रह गई है। 2 साल से अगर रिजल्ट देखा जाए आम जनता के सामने तो 0 है 0। कब होगा इसमें जांच और कब मिलेगा इंसाफ और कब पकड़े जाएंगे गुनाहगार, ये अभी तक भविष्य के गर्त में। तो हम इंतज़ार करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता है हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।